नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ नई रेसिपी, पीनट चिकन करी की रेसिपी है दोस्तों। मराठी में इसे सिंगदाना कूट कहते हैं। सिंगदाना कूट के बहुत टाइप की ग्रेवी या रस्सा जिसे मराठी में कहा जाता है, तो सिंगदाना का बहुत टाइप का रस्सा बनाते हैं दोस्तों, तो उसी टाइप की एक ये चिकन करी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, हल्का रोगन होना जरूरी है इस करी में दोस्तों। और साथ में भून लूँगा हरी सी चॉप कटी हुई लहसुन। गरम तेल में मैंने लहसुन डाला है दोस्तों। जैसे लहसुन हमारी ब्राउन हो जाती है तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कटी हुई एक बड़ा चम्मच के हिसाब से अदरक, और अदरक और लहसुन को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। और अदरक लहसुन का भुनाने के बाद जो करी में टेस्ट आता है, मुंह पे लगता है दोस्तों, बहुत लाजवाब फ्लेवर होता है। अदरक लहसुन भुनने के जस्ट थोड़ी देर बाद हम डाल देंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। हरी बारीक कटी हुई मिर्ची डालने के बाद दोस्तों तेल में इसका कच्चापन एकदम से निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा सौंधी सी खुशबू हरी मिर्ची देने लगेगी। और जैसे ही हरी मिर्ची देगी सौंधी सी खुशबू दोस्तों, आपको इसमें सिंपली ऐड कर देना है बारीक कटी हुई प्याज। आप अनुपातानुसार लें कितना आपका चिकन है, तो उसके हिसाब से आप प्याज की मात्रा ले सकते हैं। और अब हमें प्याज को अच्छी तरीके से भुनना है अच्छी ग्रेवी के लिए। प्याज का परफेक्ट भुनना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको भले ही टाइम लग जाएगा, मेरे प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा मैं नमक ज़्यादा ले रहा हूँ, नहीं तो आप एक टेबल स्पून नमक ले सकते हैं। नमक क्या करेगा दोस्तों कि प्याज में से पानी निकाल देगा और प्याज को भुनने में मदद करेगा, और आपको 2 से 4 मिनट बाद प्याज अच्छी भुनी हुई मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप नमक ऐड नहीं करेंगे तो प्याज भुनने में आपको खासा दिक्कत हो सकती है। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसे बहुत तेज तेज चला रहा हूँ और गैस की फ्लेम भी मैंने बहुत बढ़ा के रखी हुई है दोस्तों। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्याज भुनने लगा है। और अब मैं डाल दूंगा इसमें बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जब इसमें हम डालेंगे और उसके बाद प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को साथ में भुनेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी सी सौंधी सी अदरक लहसुन की खुशबू आनी चालू हो जाएगी। और आप इसे धीरे धीरे चलाते रहें और अच्छे से भून लेने दें। जैसे भून के हो जाएगा तो आप इसमें बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर लें दोस्तों। अब आप इसे अदरक लहसुन पेस्ट के साथ प्याज और टमाटर को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लें। आप जितना अच्छा भुनेंगे दोस्तों, प्याज टमाटर जल्दी से गल जाएगा और गलने के बाद खड़ा खड़ा या बड़ा कट पीसेस में आपको नहीं दिखेगा और अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। जैसे सब मटेरियल आपका अच्छे से भुन जाए और आप देखेंगे कि भुन चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी यूज़ कर लेंगे कलर के लिए, हल्का सा स्वादानुसार। और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, अंबारी का लाल मिर्ची है दोस्तों। और साथ में सुपर गर्म मसाला, हाथ से बना हुआ गरम मसाला है। साथ में चिकन मसाला, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और ये डाला दोस्तों हमने धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब दोस्तों जो इस रेसिपी का मेन सीक्रेट है, जिसे हम सिंगदाना कूट या क्रश पीनट टूटी हुई मूंगफली के जो मैंने भून के रखा हुआ था, ये आप देख रहे हैं बारीक पाउडर नहीं है दोस्तों, टूटी हुई मूंगफली है। मिक्सर में मैंने थोड़ी थोड़ी देर घुमा के एकदम क्रश कर लिया है। एकदम पाउडर करेंगे तो कड़वापन या आ सकता है, तो आपको क्रश करना है। जैसे हम ब्लैक पेपर क्रश करते हैं वैसे ही दोस्तों ये पीनट क्रश पीनट है। अब आप क्रश पीनट को इस मसाले के साथ भून लें। जैसे आप देख रहे हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और नीचे हल्का हल्का लग भी रहा है दोस्तों, तो इस टाइम आप इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और थोड़ी सी प्याज का मैंने हल्का सा पेस्ट बनाया है दोस्तों, एकदम फाइन पेस्ट है लेकिन कम मात्रा में है। अब इसे हम ये जो हमारा मिक्सर था इससे पहले मसालों का, उसमें हम हरी मिर्ची और ये प्याज के पेस्ट को भून लेंगे। जैसे ही इस मिक्सर में प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट आप डालेंगे, जो नीचे लगा हुआ मसाला था दोस्तों वो छूटना चालू हो जाएगा। और आप ऐड कर देंगे इसमें फाइन टोमेटो प्यूरी, अच्छे से खट्टे टमाटर की बारीक पिसी हुई प्यूरी को आप ऐड करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों कितना घट मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही घट मसाला है। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इस मसाले की। और अब मैं इसमें एज पर टेस्ट स्वादानुसार थोड़ा नमक ऐड कर लूँगा और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगा 4 से 5 मिनट तक। ये नीचे भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत घट है, गाढ़ा है ये, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और उसके बाद चिकन ऐड कर दें।
अब ये मसाले में आपने कटे हुए चिकन ऐड कर लिया है। अब थोड़ा आप 1 से 2 मिनट तक इसे चलाएंगे ताकि चिकन और मसाला आपस में मिक्स हो जाए। चिकन के पीसेस के अंदर मसालों का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से चला जाए और आपको एक अच्छा टेक्सचर दिखेगा भुन जाने का कि चिकन भुन चुका है, मसाले भुन चुके हैं। तो हम दोस्तों इसमें 2 से 3 कप बारीक प्यूरी वाली दही, दही की प्यूरी बना के फैटी वाली दही जिसे कहते हैं, वो हम डाल देंगे। दोस्तों दही खट्टी हो थोड़ी, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर दही खट्टी नहीं होगी तो आप 1 या 2 नींबू का जूस यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसकी करी बनाने के लिए दोस्तों पानी ऐड कर दूंगा और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने दें। सारे मसालों का, पीनट्स का, सब प्याज का और टोमेटो का कच्चापन चला जाए तब तक आप इसे पकने दें। अगर ये पकते पकते गाढ़ा होता है और लगता है आपको कि खुशबू में अभी अच्छे से नहीं आई तो आप इसे में फिर से पानी ऐड करें और फिर से पकाएं। तो देखिए दोस्तों कितना लजीज बना है हमारा पीनट चिकन मसाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।